तो हेलो है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो टेक्नोज बाइक ब्लॉग। तो मेरे पास आई थी आज एक्सल 100, तो उसका हम लोग करेंगे किक शाफ्ट फिटिंग। तो किक शाफ्ट फिटिंग कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं पहले बता देता हूँ ये कि मेरे पास ये गाड़ी आई क्यों थी। तो ये गाड़ी का हुआ था एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट होने की वजह से जो डायरेक्ट इसके किक पल्ले पे चोट आई थी। और तो ये मैं आप लोगों को दिखाते हैं, ये पल्ला मैंने वेल्डिंग करवाया, ये पूरा टूट गया था, ये वाला पूरा बाहरी हो गया था। तो मैंने इसको वेल्डिंग करके इसको फिर से रिपेयर करवा दी और कायदे से एकदम बढ़िया हो गए। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये टूटा हुआ था, तो इसको मैंने वेल्डिंग कराया हुआ, ये सब लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब। तो चलो इसका किकशाफ्ट फिट करता हूँ फटाफट। तो अभी हम लोगों को लेना है किकशाफ्ट। तो ये रहा हमारा किक साफ। तो अभी इसको मैं निकाल के आप लोगों को बता देता हूँ फिटिंग किस तरीके से करना है। तो अभी आप लोग देख लो, इसमें टी है, तो ये आप लोगों को टी दिख रही होगी, ये टी, ये। तो अभी हमको क्या करना है, अभी इसके ऊपर वाली बोलेंगे ये, इसमें भी एक टी बनी हुई है, तो ये टी हमको डालना है इसके बिल्कुल सामने, इसके सामने। तो चलो मैं दिखाता हूँ लगा के। तो अभी तो मेरा ये आउट हो गया, अभी मैं प्रॉपर दिखाता हूँ। तो अभी ये हो गया मेरा एकदम परफेक्ट, ये रही टी इसकी और इसकी टी रही ये, तो एकदम परफेक्ट पूरा बैठ चुका है। तो अब मैं फिटिंग करता हूँ इसमें, ये इस तरीके से कुछ फिट कर देना है। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इसका, इसकी ब्रैकेट ये वाली, और ये वाली लगाना कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे टी रख लिखा हुआ, टी टॉप पे आगे की तरफ रहेगा, तो इसके लगाते हैं दोनों बोल्ट। तो कुछ इस तरीके से इसको लगा लेंगे पहले ही। तो ये हो गई हमारी इस तरीके से फिटिंग। तो अब हमको लगाना है इसका किकशाफ्ट। किकशाफ्ट मेरा अभी भी देख लो, टी वहीं पे है एकदम इसके इसके सामने। तो अभी मैं कुछ इस तरीके से इसको फिट करूँगा। कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है फिट। और ये वाली हमको देख लेना है, ये घूमनी चाहिए, अगर नहीं घूमेगी तो बाद में दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो अभी हम लगाते हैं इसका वाइसर और स्प्रिंग। तो पहले डालेंगे स्प्रिंग और अब डालेंगे इसका वाशर, और अब हमको बांधना है इसका पल्ला। तो भाई मैंने पैकिंग लगाया नहीं है, पैकिंग इसकी एकदम सही थी, एकदम बढ़िया ओरिजिनल पैकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी को लगा देता हूँ, और मैंने रेसी बॉन्ड ट्यूब पहले से इसमें लगा के रखा हुआ है, आप लोगों को दिख रही होगी, रेसी बॉन्ड मैंने पहले से ही लगा दिया। तो चलो करते हैं पल्ला फिट।
तो अभी मेरा ये भी फ्री हो गया, क्रैंक और किक भी फ्री है। तो अब लगाता हूँ मैं इसके सारे बोल्ट। तो अभी मेरे सारे चैम्बर के बोल्ट लग चुके हैं, ये सारे बोल्ट मैंने लगा दिया और टाइट भी कर दिया। और अब मैं लगाता हूँ इसका किक का स्प्रिंग। तो किक का स्प्रिंग लगाना कुछ इस तरीके से। तो पहले मैं ले लेता हूँ ये स्प्रिंग। स्प्रिंग कुछ इस तरीके से इसकी रहती है। तो ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग लगाना हमको कुछ इस तरीके से लगाना है। और इसका आप लोगों को यहाँ पे ये होल दिख रहा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ। ये तो इसी में हमको इसको फंसाना है, स्प्रिंग को उसी में हमको कुछ इस तरीके से इसको। कुछ इस तरीके से इसको फंसा देंगे और अब हम लगाएंगे इसका ये वाला बूस्ट। तो कुछ इस तरीके से इसको भी लगा लेंगे और अब हमको लगाना इसका स्प्रिंग कैसे बैठाएंगे। तो मेरे पास है नो प्लास, तो आप प्लास से भी हो तो प्लास से बैठा सकते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से पकड़ के, कुछ इस तरीके से घुमा के और इस तरीके से इसको यहाँ पे ले जाके बैठा देंगे। तो अभी मेरी स्प्रिंग तो ऊपर ही है, तो मैं इसको भी नीचे करके बैठा देता हूँ। तो सॉरी निकल गई है, तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको बैठा दिए। तो ये देख पा रहे मेरे पास, ये मेरी स्प्रिंग अभी बाहर ही है, तो मैं इसको भी अंदर कर देता हूँ। तो अभी मेरी स्प्रिंग प्रॉपर बैठ चुकी है और अब मैं लगाऊंगा इसका वाशर और एक लॉक। तो कुछ इस तरीके से इसको भी लगा देंगे। तो अभी मैंने इसका लॉक बैठा दिया है और लॉक बैठाने के बाद मैं इसको देख लेता हूँ बैठा हुआ है सही से या नहीं। तो ये बैठ गया, और तो इसको कुछ प्रॉब्लम हो तो घुमा के देख सकते हैं बैठा है या नहीं बैठा है। इससे घूम रहा है लॉक, तो ये बैठ गए। तो अब मैं दिखाता हूँ इसका किक लगा के। तो ये रही इसकी किक, तो मैं बैठा के और फिर मार के देखता हूँ काम कर रही कि नहीं। तो ये प्रॉपर काम कर रही भाई, तो ये प्रॉपर काम कर रही है, वापस जा रही है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो जब तक के लिए बाय बाय।